इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिशों को झटका, जीडीपी में 9.5% तक गिरावट संभव। कोरोना महामारी के कारण देश की इकोनॉमी पर कितना बुरा असर हुआ है, इसका अभी ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि स्थिति की गंभीरता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि तमाम रेटिंग एजेंसीज जीडीपी में गिरावट के अनुमान को बढ़ाती जा रही हैं। इसमें आईएमएफ भी शामिल है। घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का मानना है कि वित्त वर्ष 2020 से 2021 में जीडीपी में 9.5% तक की गिरावट आएगी। हिंदुस्तानी राखी अभियान ने पकड़ा जोर, इस रक्षाबंधन चीन को मिलेगा 4,000 करोड़ का झटका। इस वर्ष देश भर में राखी का त्यौहार हिंदुस्तानी राखी के रूप में मनाया जाएगा और राखी बनाने अथवा बेचने में चीन का बना कोई भी सामान इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। कैट का कहना है कि राखी पहला त्यौहार होगा जिससे चीन को पता लगेगा कि किस मजबूती से देश चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर चीन को एक बड़ा सबक देने की ठान चुका है। कैट का कहना है कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर भारत की बहनें भारतीय राखी का इस्तेमाल करते हुए चीन को लगभग 4,000 करोड़ रुपए के व्यापार का घाटा पहुंचाएंगी। बता दें कि देश में राखी के त्यौहार पर एक अनुमान के अनुसार लगभग 6,000 करोड़ रुपए का राखियों का व्यापार होता है, जिसमें अकेले चीन की हिस्सेदारी लगभग 4,000 करोड़ होती है। खाद्य तेलों का निर्यात 54% बढ़कर 80,765 टन पर पहुंचा। व्यापार संगठन एससीए ने कहा है कि वित्त वर्ष 2019 से 2020 में भारत के खाद्य तेल का निर्यात 54% बढ़कर 80,765 टन हो गया है। विशेष रूप से मूंगफली तेल की शिपमेंट में तेज वृद्धि हुई है। मूल्य के संदर्भ में खाद्य तेल का लदान 52.36% बढ़कर 955.51 करोड़ रुपए का हो गया है, जबकि वर्ष 2018 से 2019 में यह निर्यात 52,490 टन का हुआ था। भारत विदेशों में बसे भारतीयों की मांग को पूरा करने के लिए कम मात्रा में खाद्य तेलों का निर्यात करता है, अन्यथा कच्चे तेल और सोने के बाद भारत में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक आयात खाद्य तेलों का होता है। भारत ने किया आयात से ज्यादा निर्यात, 18 साल बाद ट्रेड सरप्लस की स्थिति। देश के निर्यात में जून में 12.51% गिरावट आई। ये लगातार चौथा महीना है जब निर्यात घटा है। मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण के निर्यात में गिरावट से कुल निर्यात कम हुआ है। हालांकि आयात में 47.59% की गिरावट के कारण 18 साल में पहली बार ट्रेड सरप्लस की स्थिति आई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बुधवार को जारी आंकड़े के अनुसार कोविड 19 के कारण कमजोर वैश्विक मांग से जून में निर्यात 12.41% घटकर 21.91 अरब डॉलर रहा। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।